यार लवली, एक नंबर भाई। हाँ What's up my YouTube family? तो आज है डे फोर्थ ऑफ आवर राइड और हम लोग यहाँ से, मैं और पुलक यहाँ से निकल रहे हैं मुंबई के लिए और खन्ना बाजी, संतोष भाई और जेसन बाजी जा रहे हैं गोवा इन्जॉय करने के लिए। प्लान कुछ ऐसा है, यहाँ से हम लोगों का डिस्टेंस है 68 किलोमीटर, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छी लोकेशन थी लोनावला में, मस्त दो दिन इन्जॉय किए, बहुत मज़ा आया। मतलब आप लोगों ने ड्रोन शॉट्स तो देखे ही होंगे, अल्टीमेट लेवल वाला फीलिंग था, बहुत ही चिल वाइब्स थी, पूरा बाइकर्स वाली वाइब थी। अभी ऐसा कुछ प्लान है कि हम लोग एक्चुअली निकलते हुए बहुत लेट हो गए, 4-6 बज गए हैं, बातें बातें मार रहे थे, बहुत मतलब मस्ती वस्ती मारे आज। और उसके बाद में खाना पीना खाने का टाइम हो गया, तो खाना पीना खाने लग गए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। एनीवेज अभी यहाँ से हम लोगों को डिस्टेंस 67 किलोमीटर्स दिखा रहा है, दैट इज़ 1 hour 42 minutes। अभी आएगी आप लोगों का H2 की आवाज़। यो आगे भाई, आगे आगे, क्या हुआ? तो यहाँ से पेट्रोल फिलिंग करानी है, रेंज दिखा रहा है 82 किलोमीटर जाना अपने को, थोड़ा सा कम है बट सुपर बाइक्स पे कुछ नहीं कर सकते, जाएगा ज़्यादा। चलो बाय 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 बाय। तो यहाँ से जो मैक्सिमम रास्ता है अपने को पहाड़ी चढ़नी है। हाँ चल चल चल, ठीक है ठीक है, आगे से पेट्रोल पड़वाते हैं यहाँ पे, अभी तो थोड़ा सा रुकना पड़ जाएगा, उतरते ही मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे है मगनलाल चिक्की, खा के मज़ा आएगा। कुछ डुप्लीकेट शॉप्स भी हैं बट ओरिजिनल वाली अलग है, आगे जाके खड़ना नहीं है मतलब। तो ओवरऑल आज तो वेदर वैसे सही था बट अपने को ठंडा लगा था कल जाके, कल रात में एक्चुअली बहुत ठंडा हो गया था। पार्टी वार्टी चली अपनी और हम लोग आए 3 बजे होटल। हाँ चलो चलो, तो पुलिस वाले तो ऐसे करते जैसे हम ही को रोकने वाले हैं बट अपना तो सब कुछ पूरा है भाई, देखो अपना स्टॉक एग्जॉस्ट है, अभी अभी कोई कुछ नहीं कर सकता, अभी करेगा तो बहसबाजी भी छिड़ जाएगी। अपने ऊपर से चला गया है एक्सप्रेस वे जो मुंबई के लिए जाता है बट उसमें बाइक्स वाले अलाउड नहीं है, तो अपने को नीचे से जाना पड़ेगा एंड ये वाला थोड़ा सा स्लो है। एक्सप्रेस वे अच्छा था बट क्या कर सकते हैं, अपने पास ऑप्शन नहीं है, वरना हम लोग तो आधे घंटे में ही मुंबई पहुँचा देते, 68 किलोमीटर ही था। तो काफ़ी सारे लोग एक्चुअली आज भी गए हैं वापस, कई सारे पुणे और जो मुंबई से आए थे, अगर वो टाइमली निकल लिए तो कल ही मुंबई पहुंच गए। हम लोगों का थोड़ा सा रुकने का प्लान था तो आज day 4 है, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मुंबई। मुंबई से मैं वापस आऊँगा सोलो क्योंकि पुलक ने रुकना है वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए, और मेरा कुछ ऐसा प्लान है कि मैं आज पहुँचूँगा मुंबई तो आज थोड़ी सी जगह घूमूँगा और कल थोड़ी सी मुंबई में और जगह घूम लूँगा, उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाऊँगा वापस टूवर्ड्स बैंगलोर। लवली प्लेस यार, लवली प्लेस, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। इधर पे वापस आते टाइम में ड्रोन एक बार ज़रूर उड़ाऊँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या सीन है कि आपका एक वो नीचे चल रहा है एक्सप्रेस वे, हम लोग हैं अभी, ओए यार लवली, एक नंबर भाई है, बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रही है यार ये सिटी। थोड़ा सा रोड उबड़ खाबड़ है बट चलेगा, पहाड़ी एरिया में तो वैसे भी थोड़ा बहुत रहता ही है,
बट अपन लोग टायर थोड़े से नए पड़वाए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ये स्पेशली मानसून के टाइम पे बहुत अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा वेदर रहता होगा यहाँ पे। एक बार किसी बार मानसून में भी आएंगे बट उस टाइम पे रोड ज़्यादा गया रहेगा मेरे ख्याल से। तो ये तो इधर नो एंट्री दिखा रहा है। ओ यार ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला पार्ट है, इधर पे नो एंट्री दिखा रखा है, उधर साइड में डाल रखा है एक्सप्रेस वे, तो बंदा जाएगा कहाँ। बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी रोड्स हैं यहाँ पे, पता नहीं लगे आपको कब एक्सप्रेसवे ज्वाइन कर जाओगे और आप लोगों के पुलिस वाले मार लेंगे। तो थोड़ा सा देख के आना, बस ट्राई करना एक्सप्रेसवे ज्वाइन मत कर लो क्योंकि चलान कटेगा फिर आपका। ये वाली रोड ज्वाइन करके रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे दिखा रहा है रिलायंस का पेट्रोल पम्प, अपन लोग टैंक फुल करा लेते हैं क्योंकि इसके आगे कितनी देर में रुक जाएगा पता नहीं। तो भाई लोग यहाँ पे है 109 रुपीस का पेट्रोल और अपने में कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट भर गया 9 पॉइंट। यहाँ पेट्रोल महंगा है 9.7, ठीक है। तो पेट्रोल टैंक अपना फुल हुआ और पैसे लगे 1070। वैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे तो जितना भी डिस्टेंस दिखा रहा था उसमें बहुत कम पार्ट था जो पूरा पहाड़ी वाला था। अभी मैक्सिमम जो है ऐसा स्ट्रेट रोड चल रहा है, घाट सेक्शन एक्चुअली काफ़ी कम है बट अच्छा ही है, जितना कम है उतना अपने को कम देरी लगेगी। बट अभी भी 1 hour 6 minutes दिखा रहा है 43 kilometers के लिए। यहाँ से रास्ता तो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब चलाने में भी मज़ा आ रहा है और लिटरली अलग लेवल वाला है यहाँ पे वाइब्स। अलग से पहाड़ियाँ हैं, बीच में से रास्ता, क्या अच्छा है। मतलब पहली बार आया हूँ मैं, अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ से दिखा रहा है पनवेल 7 GNPT 31 मुंबई है 58। अपने को मेन मुंबई तो नहीं जाना है, अभी नवी मुंबई जाना है अपने को। तो पता इधर से ही ट्रैफिक मिलने लग गया, मुंबई के दर्शन हो गए भाई। यार बड़ी सही सी जगह लग रही है, तो मतलब बहुत सही सी जगह लग रही है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स ही अपार्टमेंट्स हैं, मेरे को ऐसी थोड़ी जगह अच्छी लगती है। मतलब अपार्टमेंट्स वाली बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज रहती है। अरे भाई यार ये पान की पीक नहीं मारना छोड़ते कसम से। ओए होए 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 होए, ये तो सोसाइटी में एक घर दिला दो कोई। यार क्या अमेजिंग सनसेट हो रहा है आगे, मतलब पहाड़ी के बीच। ओ हो सनसेट कहीं से भी देख लो मतलब मज़ा आता है, चाहे सिटी के बिल्डिंग्स के पीछे से देख लो, चाहे पहाड़ी के पीछे से देख लो, चाहे समंदर के पीछे देख लो, बहुत बढ़िया लगता है। रास्ता किधर से दिखा रहा है भाई? अच्छा मेरे को उधर ऊपर दिखा रहा है। देख मेरा आगे से ऐसे घूम के दिखा रहा है उधर साइड में। अच्छा एक्चुअली मैंने बंदे के ना ऑफिस में जाना है। थाने मुंबई पुणे, ये वाला एक्सप्रेस वे यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाता है। अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, डिसेंट टाइम लगा। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं पनवेल टोलवेज वेलकम्स यू। तो अच्छा यार मतलब काफ़ी जल्दी डिस्टेंस कवर कर लिया। वेलकम टू मुंबई। और
तो यहाँ से शुरू हो चुकी है मुंबई मेट्रो। यहाँ से अपने को कहाँ पे दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाके तो अभी चाबी मैंने अपने दोस्त से ले ली है, अभी उसके फ्लैट पे जा रहे हैं। आज मस्ती मज़ा करेंगे, एकदम मज़ा आएगा। और यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, कितना, 8.8 किलोमीटर्स। तो ऑलराइट, आज का जो अपना लोनावला से मुंबई तक का सफ़र था, मस्त था, मज़ा आ गया। आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आप लोगों को जितने भी नोटिफिकेशंस आती रहे ब्लॉग्स की। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। दिस इज़ योर विकेट राइडर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।